हम और आप जो भी चीज देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जैसे कि पृथ्वी का जम जाना, अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है यदि पृथ्वी को ऐसा भीषण खतरा होता है तब भी पृथ्वी से पूरी तरह जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी, लेकिन क्या यह सब हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नज़र। ज्वालामुखी से तबाही। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीवन नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजात का क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज़्यादा होगी जब कोई ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए, जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल ग्रह के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले सालों आती रही है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं। गामा किरणों का विस्फोट। यह करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम तब तक नहीं होंगे। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउट जेमेनेज कहते हैं, अगर गामा रे किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो भी पृथ्वी से जीवन नष्ट हो सकता है। इलिनोसिस के बाटविया के फर्मी लैब के जेम्स एनिस के मुताबिक अगर गामा रे विकिरण पृथ्वी से टकराती है तो भी जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प हैं। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। किसी और चीज़ से नहीं जीवन से खतरा। सिएटल में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के पीटर वार्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज़्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफ़ी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेसिस लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन के इतनी मात्रा के चलते काफ़ी जीव नष्ट हो गए। वार्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधे के खत्म होने से जीव भी खत्म हो जाएंगे। सूर्य का फैलना। जो अभी तक मैंने पृथ्वी के नष्ट होने की आशंकाएं बताए हूँ, अगर वो सब निर्मूल साबित हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है।
लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा कि सूर्य लगातार और ज़्यादा गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये सब 1 अरब साल के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा एक सूजे हुए तारे के शक्ल में, या 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के चपेट में आने से बच सकता है। लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिसमें पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा।